खबर 24 लाइव न्यूज। अज्ञात कारणों से गोमती में लगी आग। बता दें मामला मणियाओं के डाक बंगले के बगल में गोमती रखकर सरवाज आलम करते थे टायर पंचर बनाने का काम काज। दिनांक 20 मार्च 2022 को लगभग रात्रि 10 बजे लगी आग। फायर ब्रिगेड मौके पहुंचकर आग को काबू में किया। जब गोमती धारक सरवाज आलम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 50,000 का सामान का हुआ नुकसान। 7 बजे दुकान बंद करके चले गए और उसके बाद जो है 10:30 बजे मेरे कस्बे का लड़का पहुंचा, बोला कि शहनाज भाई आपके दुकान में जो है आग लग गई है। रात को 10:30 बजे 11:15 बजे के बीच में। और उसके बाद वो जो है वहाँ से दमकल भेजा। अच्छा, तो दमकल वहाँ भेजा, उसके बाद हमारे घर पे गया, बोला कि शहनाज भाई तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। हमका कैसे आग लग गई है, चलो फिर से। तो हम लोग दोनों भाई आए बाइक से, देखे तो यहाँ पर जो है दमकल बुझा रही थी आग। अच्छा अच्छा। उसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद बुझाया, बुझ गया। उसके बाद जो है कितना नुकसान हुआ होगा आपके अंदाज से? 50,000 साहब। 50,000 नुकसान, किस शंका किसी के ऊपर की कैसे लगा, कुछ आइडिया? हमारा तो किसी से दुश्मनी नहीं है, अब किसी को क्या फायदा बजाने से, हमारे हिसाब से तो कोई नहीं है भाई, अब जो समझिए आप। अच्छा, मतलब कि अब आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से तकरीबन इनका कहना है 50,000 का नुकसान हो चुका है। टायर भी जले, कुछ टायर भी जल गए होंगे? अंदर टायर थी, स्कूटी की थी और ट्यूब थी नया, मतलब कि काफी सामान, मतलब मेरा तो 50,000 के ऊपर का सामान आपका गया हुआ है एक तरीके से। आप देख सकते हैं इधर सारे सब नए ट्यूब यहाँ जल गए हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। दमकल आके इसको बुझाई है गाड़ी, दमकल के विभाग रात्रि 11 बजे तक तकरीबन आई है ना? 11 बजे। चलिए आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से काफी लोग यहाँ पे हैं और यही बगल में है आपके स्वच्छ शौचालय जो है, सामुदायिक शौचालय के बगल में।